फिरोजाबाद में किसान युवक को दबंगों द्वारा पीट पीट कर मौत के घाट उतार डाला। खेत में पशु चराने को लेकर हुआ था विवाद। घटना है सिरसरागंज थाने क्षेत्र के सेना बली गांव के। सिरसरागंज विधायक हरिओम सिंह यादव ने हत्या का आरोप लगाया गया है। बीजेपी के कदरवार नेता ठाकुर जयवीर सिंह और उनके बेटे कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष अतुल प्रताप सिंह पर लगाया गया। इस मामले में पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। घटना को लेकर धरने पर बैठे सिरसागंज सपा विधायक और उनके बेटे को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और घटना की मीडिया में सुर्खियां ना बने इसके लिए पुलिस के अफसरों ने पुलिस थाने के गेट को ही बंद कर दिया, मीडिया को रोक दिया। फिरोजाबाद के सिरसागंज में हुई किसान की पीट पीट कर हत्या को लेकर राजनीति का पारा गर्म हो गया है। हत्या के मामले में सपा विधायक हरिओम यादव और उनके बेटे विजय प्रताप सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विधायक का आरोप था कि मृतक श्यामवीर की हत्या भाजपा नेता जयवीर सिंह और उनके बेटे अतुल प्रताप सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। खेत में पशु चराने को लेकर विवाद हुआ था जिसको लेकर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस इस मामले में मृतक द्वारा इसी लूट की फिराक के दौरान ग्रामीणों द्वारा पीट पीट कर हत्या करने की बात कह रही है। विधायक और उनके बेटे को हिरासत में लेने के बाद उन्हें शहर के थाना उत्तर में लाया गया। थाने लाने के बाद थाने के गेट को बंद कर दिया गया। आमजन के साथ साथ मीडिया को भी थाने के बाहर ही गेट तक रोक दिया गया। आखिर यह क्यों किया गया यह कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। ये बताइए, मरने वाला कौन है आपका और क्या नाम है? मरने वाला मेरा भाई है, उसका नाम श्यामवीर है। एक क्या घटना हुई थी और कहां पर हुई है ये घटना? ये मतलब मेरे गांव से थोड़ी दूर उतरा है, उसमें गया चलाने के लिए मेरा भाई आया था और उन्होंने जयवीर ने और जयवीर के लड़के अतुल ने उसे उठवा के वहाँ सैंदाली में मरवा दिया जान से। बताया जा रहा कि ये कोई दो तीन लोग थे वहाँ से भागे हैं, पुलिस ऐसा बता रहा है। सर मतलब भाई साहब कुछ भी नहीं है, ये तो झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि तमंचे कोई रंजिश नहीं है, वो अपने खेतों में वो नहीं ले जाने देते, गाय नहीं ले जाने देते हमारी। मैंने हाँ इसी बात के लिए कही। तो अभी आप थाने गए थे, किस तरह का मतलब थाने में मेरी FIR नहीं ली गई? हाँ नहीं ली गई। किस तरह की घटना? ये मेरे छोटे भाई का साला है, इनकी कल कोई गाय को लेके खेत के पीछे विवाद हुआ था तो इसने मुझे फ़ोन किया। मैं सुबह इसे लेके आ रहा था, ये गाय चरा रहा था, तो मैंने कहा पहले ये रिपोर्ट चल के थाने लिखा दे तुझे मारपीट की है। तो मैं जब इसे मोटरसाइकिल पे लेके चला तो जयवीर सिंह का लड़का और चार पाँच लोग दो गाड़ियों में थे, मुझसे ज़बरदस्ती इसको छीन लिया और ले जाके मारपीट करने लगे। राइफलें दिखा दी, मैं भागने लगा। मैं भाग आया हूँ, इसको ले जाके पेड़ से बांध के मार मार के मार दिया। इसकी शिकायत आपने दर्ज कराई? शिकायत हम दर्ज कराते तब हमें रास्ता मिलता, मैं तो पहले इस राइफलों से घिरे थे तब हमने विधायक क्या। मैं इसको लेके जब मोटरसाइकिल से वहाँ से चला, मैं चल थाने रिपोर्ट लिखाता हूँ, तो जयवीर सिंह का लड़का और चार पाँच लोग और गाँव के मुझसे ज़बरदस्ती ये छीन लिया और राइफलें थी इन पर और पिस्टलें थी, इनने दिखाई तो मैं उल्टा भाग गया। फिर मैंने पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत को फ़ोन किया तो उसने कही मैं आ रहा हूँ। जब अध्यक्ष जी पहुँच गए उसके बाद हमने सब कार्रवाइयाँ की हैं ना, हम पे तो तब तक इतना दबाव रख पाए। तो अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस रिपोर्ट लिख 5 बजे सूचना मिली कि मेरे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे श्यामवीर सिंह, उनकी हत्या जयवीर सिंह के लड़के और उसके समर्थकों ने कर दी। तो मैं मौके पर पहुंचा, पूरे क्षेत्र की भीड़ बहुत इकट्ठी थी, पुलिस वालों से बात की, लेकिन सत्ता के दबाव में जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है जयवीर सिंह, जिसमें 20-25 मुकदमे हैं और उसका ये इतिहास है अपराध कराना लोगों से और खुद को बचना, तो ये श्यामवीर सिंह सपा का समर्थक था और कोई पहले से विवाद था और कोई खास विवाद नहीं था, इसीलिए था कि वो लोग जयवीर के समर्थक हैं जिनने हत्याएं की और जयवीर ने खुद कराई और ये सपा का समर्थक था। तो उसने इसको जैसा बताया है कि उसके लड़के ने वन चार पांच लोगों ने रास्ते में जो कल एक कोई घटना हुई उसमें FIR करने जा रहा था तो उसको गाड़ी में डाल के ले गए और बहुत क्रूरतम तरीके से हत्या उसकी की और मारते मारते वो मर गया। और अभी तक पुलिस सत्ता के दबाव में उसके खिलाफ़ रिपोर्ट नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए और CBI जाँच होनी चाहिए। जैसे उन्नाव का प्रकरण था एक सत्ता के विधायक के खिलाफ, पुलिस कुछ नहीं करती थी, उससे भी ये बड़ा कांड है
कि इसमें समझिए पुलिस सत्ता के दबाव में FIR नहीं कर रही है और मुख्यमंत्री का सजाती होने के नाते, गृह मंत्री का सजाती होने के नाते पुलिस उसको बचा रही है, क्योंकि जयवीर सिंह की क्रिमिनल हिस्ट्री है, कल हम आपके सामने पेश करेंगे 26-27 मुकदमे, अपराधी किस्म का व्यक्ति है और उसने जानबूझ करके उसकी हत्या करा दी और हम परिवार के इस संकट की घड़ी में परिवार के साथ हैं, हमारा पूरा क्षेत्र परिवार के साथ शामिल, तो जब तक FIR नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे और आंदोलन भी करेंगे जब तक मुकदमा कायम नहीं हो जाएगा और हम मांग करते हैं कि इसकी विवेचना CBI द्वारा कराई जाए। ये धर्मवीर नाम के कॉलर ने हमारी 100 डायल को सूचना दिया है 11:40 पर कि हम उसके भाई को बांध के सेनावली गांव के लोग पीट रहे हैं, तो उस इवेंट पर, उस सूचना पर ये PRV वहां मौके पे गई, तो वहां गांव के लोगों ने बताया कि नहीं ये यहां लूट करने आया था और उसकी पिटाई कर दी थी, तो फिर इसको PRV तुरंत लेके हॉस्पिटल सिरसागंज लाए। पिटाई कौन से गांव में की थी सर? सेनावली। और ये इसको फिर यहां पर ये लोग जो है सिरसागंज हॉस्पिटल ले गए, जहां से उन्होंने प्राथमिक उपचार कर इसको रेफर किया, फिर सिकुआबाद ले गए, वहां पर CSC के लिए रेफर किया गया था, तो सिकुआबाद में वहाँ मृत घोषित कर दिया। सर गांव वाले बता रहे हैं कि जो 3 बदमाश थे इसमें से पौलक महाराज 2 फरार हैं सर। हाँ, पूरे प्रकरण की जांच, एक तमंचा भी पकड़ा गया है, कुछ साथियों में पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए CO सिरसागंज को भेजा गया है और जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो 2 व्यक्ति भागे गए क्या उनके नाम प्रकाश में आए? अभी नहीं, अभी नाम प्रकाश में नहीं आया है, क्योंकि अभी तो इतनी ही सूचना थी, उस पर ये लोग तुरंत गए और जो घायल था मजरूम को उठा के हॉस्पिटल ले गए और उसको